दोस्तों, हृदय के आकार में वृद्धि होना या एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एक लक्षण होता है जो हृदय से संबंधित बीमारियों, फेफड़ों से संबंधित रोगों, ब्लड प्रेशर और कुछ थायराइड जैसी कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो इसके लक्षणों का कैसे पता लगाएं और ये कैसे पता लगाएं कि हृदय की बाई साइड या हृदय की दाई साइड दोनों में से किसका एनलार्जमेंट हो रहा है। देखिए दोस्तों, यदि हम लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट साइड की बात करें तो दोनों साइड में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हृदय में चार चैम्बर होते हैं, दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड। राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरे शरीर से जो वेन्स के द्वारा ब्लड लाया जाता है वो राइट एट्रियम में लाया जाता है और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। इसी प्रकार से जब वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, वहाँ से प्यूरीफाई होकर के लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पुनः जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेज दिया जाता है। तो अब आप समझिए कि यदि किसी व्यक्ति में लेफ्ट वेंट्रिकल की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हृदय का, यदि वो एनलार्ज हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या है कि उसको शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है। जब भी कोई आगे पाइप ब्लॉक होगा तो पीछे जो रिजर्वायर होगा वो या तो उसमें पानी ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगा और यदि वो एक क्लोज्ड स्पेस है तो वो टेंस हो जाएगा। इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर की जो वाहिकाएं हैं उनमें प्रेशर अधिक बन रहा है और उसके कारण से ये जो वेंट्रिकल है इसको अधिक एग्जर्शन करना पड़ रहा है और एग्जर्शन करने के कारण से ये इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जितनी भी आर्टरीज हैं जो शरीर में ब्लड को ले जाती हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाना, जिसको सामान्यतया हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल को अधिक पंप करना पड़ेगा और उसके साइज में वृद्धि हो जाती है, जो कि एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, बहुत कॉमन सा लक्षण है जो आजकल देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में क्या होता है बेसिकली कि जब रोगी रात को लेटते हैं, पर्टिकुलरली बाई करवट लेटते ही उनको सांस लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होने लग जाती है, चोकिंग होने लग जाता है, थोड़ा चलने पे एग्जर्शन पे ब्रीथलेसनेस होने लग जाती है और कई बार एंजाइना भी डेवलप हो जाता है, यानी कि चेस्ट में पेन भी होने लग जाता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंसिव डिजीज हो गई। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा निकलता है उसमें सिकुड़न आ जाती है, वहाँ पे उसमें क्या आ जाती है, सिकुड़न, जिसको हम एरोटिक स्टेनोसिस कहते हैं। उसकी वजह से भी लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, दिक्कत होगी वहाँ पे। तो एक कंडीशन ये हो गई। फिर एक कंडीशन क्या होती है कि जब लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो उनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। यदि ये मिट्रल वॉल्व जो है इसमें ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, जैसे उसने पंप किया तो वो क्लोज हो जाता है, फिर वापस नहीं आने देता, लेकिन यदि वो क्लोज नहीं होता तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रियम में आता रहेगा, फिर वो वापस जाएगा, तो उस कंडीशन में भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इसका लक्षण मैंने आपको बता दिया कि लेटने पर ऑर्थोपनिया, यानी कि लेटने पर सांस का फूलना, जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, एग्जर्शनल डिस्निया होता है और कई बार एंजाइना भी देखने को मिलता है। तो ये लक्षण लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के हैं। इसके बाद जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि राइट साइड की जो हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जो है वहाँ से जो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन वाला जो वीनस ब्लड होता है वो लंग में प्यूरीफाई होने के लिए जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड है वो लंग में भेजना होता है। तो यदि कोई लंग की डिजीज़ है, फेफड़ों में कोई डिजीज़ है, वहाँ की आर्टरीज में हाइपरटेंशन है, वहाँ पे कोई पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, तो उसके कारण से प्रेशर राइट वेंट्रिकल पे पड़ेगा और राइट वेंट्रिकल
डायलेट हो जाएगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कंडीशन क्या होती है, मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से। मिट्रल जैसे मैंने पहले कंडीशन में बताया कि यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वहाँ पे क्या है, मिट्रल रिगर्जिटेशन है, यानी कि मिट्रल वॉल की इनकॉम्पिटेंस है, वो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। लेकिन यदि उस वॉल में हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग होने से क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और लेफ्ट एट्रियम फैल जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम फैलेगा तो वहाँ से बैक प्रेशर जाएगा लंग में, लंग की आर्टरीज में वो होगा हाइपरटेंशन, और वो फाइनली राइट वेंट्रिकल को डायलेट कर देगा। तो इस कंडीशन को हम कोर पल्मोनेल भी कहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, यानी कि ये जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है ये मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकती है। मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से होती है तो ये अलग चीज़ है, लेकिन यदि लंग की किसी बीमारी के कारण से होती है, या लंग में कोई फाइब्रोसिस है, या वहाँ की जो वेसल्स हैं उनमें हाइपरटेंशन हो गया है, रक्त का दबाव बढ़ गया है, यदि उस कारण से होती है तो हम उसको कोर पल्मोनेल कहेंगे। कोर पल्मोनेल का मतलब कार्डियक डिजीज ड्यू टू द पल्मोनरी कोर, यानी कि फेफड़ों की वजह से, उसमें भी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। और इसके बाद क्या होता है कि पल्मोनरी अचानक से हाइपरटेंशन हो जाए किसी को, जैसा कि मैंने बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, और कई बार ये जो पोस्ट सिजेरियन सेक्शन भी स्ट्रिक कंडीशन हो जाती है तो वहाँ भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। राइट वेंट्रिकुलर में यदि हाइपरट्रॉफी होगी तो वहाँ की जो वेन्स होंगी, जो उसको उसमें ब्लड ला रही है, उनमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हम जुगुलर वेन की प्रोमिनेंस देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से प्रेशर बढ़ने से जो ड्रेनिंग वेन्स हैं, जैसे कि जो इन्फीरियर वीना केवा है, उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, और इन्फीरियर वीना केवा का प्रेशर बढ़ने की वजह से लीवर की हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलती है, लीवर बढ़ जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है वाई हिपेटोमिगली इन केस ऑफ दिस हार्ट डिजीज, तो यह बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, नाभि के चारों ओर, नाभि के साइड में जब अगर वेन बढ़ जाती है तो वो भी इन्फीरियर वीना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। फिर क्या होता है कि कई बार ये दोनों कॉमन हो जाती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई, उसने लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी की, फिर वहाँ से राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी हो गई, और या उसके वजह से राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी हो गई, तो पूरा हार्ट एनलार्ज हो गया, जिसको हम कंजेस्टेड हार्ट फेलियर कहते हैं। इसका कारण कई बार मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डायबिटिक्स में डायलेटेशन हो जाता है कार्डियोमायोपैथी के कारण से, यानी कि कार्डिक मसल्स का प्रॉपर काम न करने की वजह से भी कार्डियोमेगेली हो जाती है, और ये जो प्रक्रिया मैंने बताई इसकी वजह से भी हो जाती है। साथ ही साथ थायराइड में भी ये देखने को मिलती है, मिक्सोडिमा जब होता है तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, उस कंडीशन में भी कार्डियोमेगेली देखने को मिलती है, और एनीमिया के केसेस में भी कई बार टेम्पररी कार्डियोमेगेली देखने को मिलती है। तो जब ये हार्ट का पूरा एनलार्जमेंट हो जाता है, इसको हम कंजेस्टेड हार्ट फेलियर कहते हैं या कार्डिक एनलार्जमेंट कहते हैं। इस कंडीशन में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें कि इन्फीरियर वीना केवा है और सुपीरियर वीना केवा, यानी कि यहाँ पे जुगुलर वेन के प्रोमिनेंस मिलेगी। इन्फीरियर वीना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन होने से लीवर जो है राइट साइड में, लीवर का में जाती है, लीवर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, कई बार एसआईटिस भी डेवलप हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, उसके कारण से ये जो वेन है नाभि के दोनों तरफ ये एनलार्जमेंट मिलती है इन्फीरियर वीना के वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसके भी साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईसोफेगस के निचले हिस्से में वेन का फूल जाना, जिससे कि मुंह से ब्लड भी आ सकता है, पाइल्स में जो नीचे हेमोरॉइडल वेन्स हैं उनके फूलने से मोशन में ब्लड भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के ये सारे साइन होते हैं। तो यदि ऐसा कोई लक्षण मिलता है, यदि किसी रोगी को के लेटने में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर बैठने में आराम आ जाता है, जैसे वो आगे की तरफ बैठता है तो उसको आराम आ जाता है, जैसे लेटता है फिर सांस फूलने लग जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे हार्ट एनलार्जमेंट है। यदि फिर उसका किया जाना चाहिए सांस लेने में तकलीफ, या फिर एंजाइना डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा पेन भी चेस्ट में अनुभव होता है, तो फिर किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके रोग का निदान अवश्य कराया जाना चाहिए। तो ये कुछ हार्ट एनलार्जमेंट के मैंने, अब बात ये आती है कि सामान्य अवस्था में इसको कैसे पहचाना जाए। फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड में जो ये मिड क्लेविकुलर लाइन के यहाँ पे नीचे जो इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे एक अपेक्स बीट मिलती है, यानी कि एक जो हार्ट का जो अपेक्स होता है उसकी पर्टिकुलर बीट मिलती है,
यदि वो बीट हार्ट की जब एनलार्ज होगा तो हार्ट कहाँ एनलार्ज होगा, लेफ्ट साइड में और बढ़ेगा या थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा, तो वो जो अपेक्स बीट है वो या तो लेटरली शिफ्ट हो जाएगी या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यदि अपने स्थान से ना होकर के वो थोड़ा लेटरल और थोड़ा डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट एनलार्ज हो रहा है, जो कि हम स्टेथोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि एक्सरे करने पे जो हर्ट है वो मिड क्लेविकुलर लाइन से, यानी कि हर्ट जो लेफ्ट लंग है उसके आधे भाग से अधिक उसकी शेडो आ रही है, तो हर्ट एनलार्जमेंट है। इसके साथ ही साथ अगर हमको यहाँ पे वेन प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है तो हर्ट एनलार्जमेंट है। इसके अलावा यदि पैरों में ओडिमा आ रहा है तो भी एक लक्षण है वो हर्ट एनलार्जमेंट का, वेन प्रोमिनेंट हो रही है तो भी है। और इसके अलावा यदि पेट में पानी हो गया तो भी हमको ये देखना चाहिए कहीं सिरोसिस के अलावा इसमें हर्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि एसाइटिस का सबसे मुख्य कारण तो सिरोसिस ऑफ लीवर है, लेकिन यदि सिरोसिस ऑफ लीवर नहीं है तो हमको हार्ट को भी वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जो देखने में मिल जाते हैं। इसके अलावा पफी फेस, यहाँ पे जो है कंजेशन मिलेगा उसको देखने के लिए, और पीडल ओडी में मिलेगा, पैरों में सूजन मिलेगी जो कि दबाने से पिटिंग ऑन प्रेशर होगा। तो ये कुछ लक्षण देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का हार्ट जो है वो एनलार्ज है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच।